ये फार्मूले हैं, चार फार्मूले लगाए जिनका यूज है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी इसकी वैल्यू मैंने निकाली है। कॉस थ्री थीटा माइनस कॉस सेवन थीटा, हमने क्या किया, थ्री थीटा को क्या लेट कर लिया, ए, इसको ए मान लिया, सेवन थीटा को क्या मान लिया, तो मैंने कॉस थ्री थीटा को क्या लेट किया था, कॉस सेवन, सेवन थीटा को कॉस ए माइनस कॉस बी, फॉर्मूला नंबर फोर लगेगा। इसका रिजल्ट होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस, सॉरी सॉरी, साइन बी माइनस ए बाई टू, साइन ए कौन था, ए थीटा, बी कौन था, बाई साइन बी कौन है, माइनस ए कौन है, बाई थ्री थीटा प्लस सेवन थीटा, सेवन में थ्री कम कर दो, फोर थीटा टू से डिवाइड कर दो इनटू साइन टू से डिवाइड करो, आंसर हो गया। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री इक्वल रूट 6 बाई टू, लेफ्ट हैंड साइड साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, इसको अगर ए मानते हैं उसको बी मानते हैं तो बनेगा साइन ए प्लस साइन बी, फार्मूला पहला लग जाएगा, टू साइन दोनों एंगल का सम बाई टू कॉस दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन बाय ठीक। इस बार हम ए और बी नहीं मानते, इस बार माना है ना, ये चीज आप अपने मन में रखो कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, समझ में आ रहा, तो टू साइन साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन में टू साइन दोनों को ऐड करेंगे, 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री कॉस, कॉस लेकर दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक भैया, कर दो सब्ट्रैक्ट, 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री बाई टू साइन, इनका इनका सम जोड़ हिसाब तो आता होगा, 90 डिग्री बाई टू कॉस, इनका सब्ट्रैक्शन टू साइन, इसको कैंसिल करो, को दो से कैंसिल करो, साइन 45 की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू इससे कैंसिल, ये आ गया रूट थ्री अपान, अब हमें प्रूव करना है इसमें नीचे टू है, हम लाए रूट टू, रूट टू को टू कैसे बनाओगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन रूट टू से, न्यूमरेटर में यानी अंश अंश में रूट टू से गुणा, डिनोमिनेटर में भी रूट टू से गुणा, समझ में आ रहा, रूट रूट का गुणा, रूट रूट का मल्टीप्लिकेशन रूट ही आता, थ्री इंटू टू सेम संख्या का रूट हट जाएगा, रूट हो गया आगे आगे।